नमस्कार, जय जगन्नाथ। भारत एक सनातन यात्रा है। इसकी विशेषता यह है कि इस यात्रा में मनुष्य ने इतिहास नहीं लिखा, पुराण लिखे। पुराण एक तरह से सार है। यह सब उनके बारे में है जिनकी कोई लकीर पार्थिव जगत में नहीं छूटती। हमारे स्कंद पुराण, पद्म पुराण में जगन्नाथ जी का वर्णन मिलता है। इससे जुड़ी हुई अनेक कथाएँ हैं। मेरी दृष्टि में जगन्नाथ रथ यात्रा सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक है। रथ यात्रा में जगन्नाथ को दशावतार मानकर पूजा की जाती है। रथ का अर्थ है शरीर। रथ रूपी शरीर में आत्मा रूपी भगवान जगन्नाथ बसते हैं। यह जीवन यात्रा का प्रतीक है। जैसे रथ स्वयं नहीं चलता, उसे चलाने के लिए जनशक्ति की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मा स्वयं संचालित नहीं होती, उसे माया संचालित करती है। हमारे छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में रथ यात्रा निकाली जाती है। यहाँ सभी पंथों और मतों के अलावा आदिवासी समाज भी इस यात्रा से जुड़ा है। बस्तर के आदिवासी समाज तो गोंचा पर्व के रूप में इसे प्राचीन काल से मना रहा है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का बहुत पुराना आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध है। भगवान जगन्नाथ के यहाँ लगने वाले भोग की खिचड़ी का चावल देवभोग से जाता है, इसलिए उस जगह का नाम देवभोग पड़ा। कहा भी जाता है कि जगन्नाथ का प्रसाद जगत पसारे हाथ। उत्कल समाज और छत्तीसगढ़ी समाज का संबंध समय बीतने के साथ और प्रगाढ़ होता जा रहा है। किंवदंती है कि शिवरी नारायण से जगन्नाथपुरी तक कोई गुफा है। सभी जानते हैं कि शिवरी नारायण वह जगह है जहां माता सबरी की मुलाकात भगवान राम से हुई थी। महाप्रभु चैतन्य कृष्ण प्रेम में डूबे रहते थे। उनका मत रहा कि निस्वार्थ प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण कृष्ण ही है। कथा भी है कि एक बार बलभद्र की माता रोहिणी भगवान श्री कृष्ण की रानियों को कृष्ण लीला सुना रही थी। उसी समय कृष्ण और बलराम भी वहां पहुंच गए। प्रेम में भीगी कथा सुनकर कृष्ण और बलदेव पिघलने लगे। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वहीं मंदिर में दिखाई देती हैं। भगवान जगन्नाथ का मंदिर द्वारका और कुरुक्षेत्र की तरह प्रतापी है। मलुकदास जैसे संतों ने यही तप किया, साधना की। उन्होंने लिखा है, दया धर्म हृदय बसै, बोले अमृत बैन, तेई ऊंचे जानिए जिनके नीचे नैन। मैं छत्तीसगढ़ और देश के सभी धर्म प्रेमी लोगों को रथ यात्रा के उपलक्ष्य में बधाई देता हूँ। रथ यात्रा बारिश के आरंभ में आती है, जिसमें किसानों के लिए हम सब अच्छी बारिश, अच्छे अनाज की कामना करते हैं। छत्तीसगढ़ फले फूले, इसी भावना के साथ एक बार फिर सबको जगन्नाथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय जगन्नाथ।